नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनाली। राकेश टिकैत के साथ कर्नाटक में एक घटना क्या हुई, उनके सुर ही बदल गए। कभी अपनी सभा में अल्लाह अकबर के नारे लगवाने वाले राकेश टिकैत से ज्ञान बाप की बात सुनकर अचंबा हो रहा है। 2021 में मुजफ्फरनगर में हुई जनसभा के दौरान टिकैत ने भरे मन से अल्लाह अकबर के नारे लगवाए थे और हर हर महादेव के नारे लगवाने वालों पर भड़क गए थे। उसी टिकैत के सुर काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। आज वो बदलते मौसम के साथ बदल गए हैं और ज्ञान वापी के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। राकेश टिकैत को जहां फायदा होता दिखता है उसी राह पर निकल पड़ते हैं। फिलहाल वो हिंदुत्व का हाथ थाम कर अपनी राह को आसान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार को टारगेट करने में टिकैत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो किस मुंह से अब बीजेपी में एंट्री करने की सोचे, और बेंगलोर में हुई घोर बेइज्जती के बाद राकेश टिकैत अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। आम जनता के साथ उनके खुद के नेता राकेश टिकैत की पोल खोल रहे हैं। काली स्याही फेंक कर जो बेइज्जती की गई है उसके बाद टिकैत ने अपने सुर बदल लिए हैं और हिंदुत्व की तरफ झुकने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलवार को बुलंदशहर पहुंचे थे। यहां पर राकेश टिकैत ने ज्ञान वापी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिसका जो माल है उसे वापस कर देना चाहिए। पहाड़ से कोई भी पत्थर उठा लो, वही शिवलिंग है। ये हमारी आस्था का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक बार फिर महंगाई, बिजली और गन्ने के भुगतान के लिए भी प्रदर्शन की बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही ट्रैक्टरों से हमारे संगठन के लोग बिजली, महंगाई, गन्ने के भुगतान और अन्य मांगों को लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी से मिलेंगे। जब तक सीएम योगी हमसे मुलाकात नहीं करेंगे वो तब तक हम वापस नहीं आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सीएम योगी नहीं मिले तो वो गोरखपुर में रहने वाले महात्मा से मिलेंगे। मिलना तो उनको पड़ेगा ही, अभी इनके पास टाइम है। या तो मुख्यमंत्री बात कर ले, नहीं तो हम ट्रैक्टर लेकर लखनऊ जाएंगे। हम अयोध्या भी जाएंगे, वहाँ भी देख कर आएंगे। अयोध्या के राम भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी हैं। वहीं कर्नाटक में हुए हमले को लेकर टिकैत ने कहा कि ये मेरे साथ साजिश थी। पहले ही मेरे पर हमला करने की साजिश रची गई थी। जिन लोगों ने हमला किया है उनके वहाँ के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ में फोटो है, ये पुलिस ने बताया है। वो बीजेपी के लोग बताए जा रहे हैं और बीजेपी के नारे लगा रहे हैं। आम जनता के साथ साथ उनके खुद के नेता राकेश टिकैत की पोल खोल रहे हैं। काली स्याही फेंक कर जो बेइज्जती की गई है उसके बाद टिकैत ने अपने सुर बदल लिए हैं और हिंदुत्व की तरफ झुकने की कोशिश कर रहे हैं। टिकैत की ज्ञान वापी को लेकर जो सोच है वो वाकई हैरान करने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये हकीकत है या फिर राजनीतिक स्टंट। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।